हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए आई गुड न्यूज, इस तरह से होगी भर्ती। बेसिक शिक्षकों की भर्ती में विषयवार पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने पर सरकारी स्कूलों में पहले से ही कार्यरत स्थायी शिक्षकों को आवेदन भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में सीधी भर्ती के जरिए भी रिक्त पदों को भरा जा सकता है और इस स्थिति में पहले से कार्यरत शिक्षकों को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 में प्रावधान को लागू कर दिया है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के 3,253 पद खाली हैं और नियमावली के मंजूरी होने के बाद से शिक्षा विभाग इन पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के अनुसार भर्ती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा रही है। जेल जाने पर सीएम पद से क्यों नहीं दिया इस्तीफा, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए इसके कारण। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने जेल जाने पर सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया। केंद्र सरकार सीएम को गिरफ्तार करके जेल में डालकर सरकार गिराना चाहती है, मैं इनके ट्रैप में फंसने वाला नहीं हूं, इसलिए मैंने कहा कि जेल से सरकार चलाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं पूरे तन मन और धन से उस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूं, आपका साथ चाहता हूं, मेरे अकेले लड़ने से नहीं होगा, मैं आप सभी से भीख मांगने आया हूं। केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल में था तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं है। मैं यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री यह सब बनने नहीं आया हूँ। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं मैंने 10 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों में। जब मुझे दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया तो मैंने 49 दिन के अंदर दिल्ली के स्कूलों को लेकर इस्तीफा दे दिया। लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते, मैं खुद से सीएम की कुर्सी को मैंने लात मार दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई वापस ली जाएगी। सैम पित्रोदा पर भी बोले, लोकसभा चुनाव का 4th चरण 13 मई को है और इस फेज में 5 लोकसभा क्षेत्र दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी पर सफाई दी, वहीं महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर भी अपनी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने देश में सीबीआई और ईडी के एक्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सताने की कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि ईडी सीबीआई के द्वारा सताने के लिए जो कार्रवाई हुई है, सरकार बनने पर ऐसी कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। जो कानून सम्मत होगा उस पर कानूनी फैसला लेना होगा। सैम पित्रोदा के बयान पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, जिसके बाद बात खत्म हो गई। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम होने के बयान पर खड़गे ने कहा कि एनडीए का काम ही बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। राजस्थान में बंद नहीं होगी रीट परीक्षा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताई इसकी वजह। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। दिलावर ने कहा कि ऐसी सारी खबरें गलत और भ्रामक हैं, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही थी। बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि जो प्लान है उसके मुताबिक युवाओं के 5 साल बेकार ना हो, पहले उन्हें बीएड के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है, उसके बाद बीएड और फिर रीट और मुख्य परीक्षा देनी होती है, तब जाकर के नौकरी लगती है। जितने लोग बीएड करते हैं सभी को नौकरी भी नहीं मिल पाती है।
अधिकतर को तो करियर के दूसरे क्षेत्र में भाग्य आजमाने का भी मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में युवाओं का समय बर्बाद ना हो और एक कंपटीशन एग्जाम देने के बाद ही ये तय हो जाए कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बीएड किए बिना अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेगा तो परीक्षा में सफल होने पर उसे बीएड करने के लिए समय दिया जाएगा और यदि बीएड किया हुआ अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होता है तो उसे सीधे नौकरी दी जाएगी। अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री, योगी को निपटाएंगे, केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े हमले किए और पूछा कि बीजेपी जीती तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि अगले साल पीएम रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम मोदी 17 दिसंबर से 75 साल के हो जाएंगे, ये भाजपा का नियम है। उनके यहां कई नेता रिटायर हुए हैं, ऐसे में अब उनका मकसद अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटियां पूरी कौन करेगा। मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अमित शाह मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। बीजेपी के संविधान में ऐसा नहीं लिखा, अमित शाह ने केजरीवाल के आरोप का दिया जवाब, ज्यादा खुश मत होइए। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान दिया कि अगले साल नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और फिर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को पीएम मोदी के 75 साल के होने से खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी के 75 वर्ष के होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वह प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बीजेपी इस बार 400 तो छोड़ो, बेड़ा पार भी नहीं होगा। केंद्र सरकार पर खूब बरसे भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री, उनके साथ जो हुआ पूरे देश ने देखा। इस सिलसिले में कल बाहर आज उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन यह रैली में तब्दील हो गई। मान ने कहा कि बीजेपी को 3 चरणों के मतदान के बाद पता चल गया है कि 400 पार तो छोड़ो, इनका बेड़ा पार भी नहीं हो रहा है। भाजपा मुख्यालय का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यह कैसे हो गया, उन्हें नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम जहां 12 घंटे काम करते हैं अब 18 घंटे काम करना है। 4 जून को केंद्र में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, हमारा हिस्सा सरकार में होगा। वफादार की सबसे बड़ी पहचान संकट के समय पर की जाती है, संकट में सभी साथ खड़े हों। कुछ लोग छोड़ गए कोई बात नहीं, आपका जो साथ है वो हमें थकने नहीं देता। इटली दूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर फाड़ दी चार्टर की कॉपी, खूब सुनाया, भारत ने नहीं दिया साथ। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इजराइल के राजदूत गिलान एर्दान ने फिलिस्तीन को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए हुए मतदान के विरोध में यूएन चार्टर की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने महासभा में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की एक कॉपी फाड़ दी। इसके लिए वे अपने साथ एक छोटा पेपर श्रेडर ले गए थे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इजरायली दूत को संयुक्त राष्ट्र की मूलभूत संधि यानी इसके चार्टर की एक कॉपी को श्रेडर में डालकर फाड़ते हुए देखा जा सकता है। इंग्लैंड के दिग्गज जेम्स एंडरसन ने किया संन्यास का ऐलान, लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी मैच। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। इंग्लैंड के लिए 20 साल खेल चुके तेज गेंदबाज ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वह अपना आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट खेलेंगे। वहीं जेम्स एंडरसन ने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में कहा कि हेलो, मैं यहां आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड्स में होने वाला इस समर का पहला टेस्ट मैच मेरा आखिरी टेस्ट होगा। 20 साल से देश का प्रतिनिधित्व करना शानदार रहा है, उस गेम को खेलना जिसमें मैं बचपन से चाहता था। मैं इंग्लैंड के लिए खेलते हुए समय को मिस करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह अलग होने का सही समय है और दूसरों को उनके सपने जीने का मैंने मौका दिया, क्योंकि इससे बढ़िया फीलिंग कुछ भी नहीं हो सकती।
सपा बसपा और कांग्रेस को लगा फिर झटका। पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलसी समेत कई नेता भाजपा में हुए शामिल। खबर है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले विपक्ष को एक बार फिर से और झटका लगा है। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पार्टी के राज्य मुख्यालय पर सपा बसपा व कांग्रेस के कई नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। भारत चीन के सुधरेंगे संबंध, 18 महीने बाद शी जिनपिंग ने नई दिल्ली भेजा अपना राजदूत। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। इसके कुछ वर्षों के बाद अब गहराते हुए विवाद के बीच चीन ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। लगभग 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद चीन ने आखिरकार अपने एक राजदूत को भारत भेजा है। बता दें कि जू फीहोंग अपनी पत्नी टैन युक्सियू के साथ बीजिंग से नई दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच गतिरोध कम होने के संकेत मिल रहे हैं। जू ने कहा कि चीन एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने और बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान खोजने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जू ने इससे पहले अफगानिस्तान और रोमानिया में चीन के राजदूत के रूप में काम किया है। उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा भारत में 17वां चीनी राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं मार्च 2022 से बीजिंग में प्रदीप कुमार रावत बतौर राजदूत काम कर रहे हैं। चुनाव के बीच राहुल गांधी ने मानी गलती, बोले कांग्रेस को बदलनी होगी अपनी राजनीति। बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की एक बयान की खूब चर्चा हो रही है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की गलती स्वीकारी और उसमें सुधार लाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के संस्थापकों की अपेक्षा की तुलना में संविधान लोगों की कम मदद कर रहा है, यह सफलता के साथ साथ विफलता भी है। बता दें कि उन्होंने यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं। मैं कांग्रेस का होते हुए भी यह कह रहा हूं, हालांकि उन्होंने किसी गलती का जिक्र नहीं किया। पटेहाल पाकिस्तान बेचने निकला है एटम बम, मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम मोदी का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान की तीखी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास भी एटम बम है। बता दें कि पीएम ने कहा कि 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। वह एक दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था और दूसरा कांग्रेस की सोच है जो बार बार लोगों को डराने की कोशिश करती है। ओडिशा के कंधमाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, यह मरे पड़े लोग, यह देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि बम को संभालना मुश्किल है। वे अपने बम को बेचने के लिए निकले हैं लेकिन लोगों को पता है कि क्वालिटी में दम नहीं है, वह भी नहीं बिकता है। सुपरटेक चेयरमैन अरोड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट का इनकार, बताया कब करना पड़ेगा सरेंडर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अरोड़ा इस साल जनवरी से अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उन्होंने एक नई याचिका लगाते हुए मेडिकल और हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 90 दिनों के लिए और बढ़ाने की मांग की थी। अरोड़ा को पिछले साल जून में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हमने 8 बच्चे वालों का भी मुफ्त इलाज करवाया, अनुराग ठाकुर बोले, देश में मुस्लिमों को कैसा डर। बता दें कि भाजपा के सांसद और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस देश के मुसलमान खुद को असुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं, खास करके तब जब उनकी आबादी में कथित तौर पर 45% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं पर भी बराबरी से फायदा उन्हें मिल रहा है। ठाकुर ने ये बात हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए PTI को दिए एक इंटरव्यू में कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंकड़े ये बताते हैं कि 65 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 45-47% बढ़ी है। ये आंकड़े क्या इशारा करते हैं? एक तरफ हिंदुओं की जनसंख्या में 7.8% की कमी आई है जबकि दूसरी तरफ मुस्लिमों की जनसंख्या में 45-47% की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे के कारणों पर विचार करना होगा।
आरजेडी के मनोज झा का पीएम मोदी पर हमला, बोले मोदी की रैली में झूठ बोलने वाली मशीन भी फेल हो जाए। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को झूठा करार दिया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनकी सभा में अगर झूठ बोलने वाली मशीन लग जाए तो वो भी उनके सामने फेल हो जाएगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार में लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव है, बिहार की जनता ये मान रही है। हिमंत बिश्व शर्मा ने बताया क्यों एनडीए को चाहिए 400 सीट, कहा यूजीसी लागू करना है, मथुरा में मंदिर बनवाना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी लागू करने और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए एनडीए को लोकसभा में 400 से अधिक सीटें जीतने की जरूरत है। बेगूसराय में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए 400 से अधिक सीटें जीतनी होगी। एनडीए को 400 सीटें चाहिए ताकि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पीओके की भारत में वापसी हो। चंद्रयान 3 के इतिहास रचने के 8 महीने बाद इसरो ने किया बड़ा खुलासा, 4 सेकंड की देरी करनी पड़ी। बता दें कि पिछले साल 23 अगस्त को इसरो को बड़ी सफलता मिली थी। चंद्रयान 3 की इसरो ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करवाई थी और पूरी दुनिया से इसरो को प्रशंसा मिली। बता दें कि अब 8 महीने के बाद हाल ही में इसरो ने खुलासा किया है कि उसने चंद्रयान 3 को लिफ्ट ऑफ करने में 4 सेकंड की देरी की थी। अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों के साथ किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए चंद्रयान 3 की उड़ान के समय में ऐसा करना पड़ा था। बुलाएं तो भी नहीं जाऊंगी, उनके बगल में बैठना पाप, राज्यपाल बोस पर बरसी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे छेड़खानी के आरोपों को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। हुगली लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी के समर्थन में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब तक बोस राज्यपाल बने रहेंगे तब तक वह राजभवन के अंदर कदम नहीं रखेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल के पास बगल में बैठना तक पाप है। दूसरा और कोई कारण नहीं, क्यों कटा वरुण गांधी का टिकट, मेनका गांधी ने किया इसका खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद व अपने बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर उनकी मां मेनका गांधी ने बड़ा खुलासा किया। मेनका गांधी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिए जाने को लेकर कहा कि वहां से वरुण को होना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया है, बस इतनी सी बात है। गौरतलब है कि भाजपा ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार मुखर रहे वरुण गांधी का टिकट काट कर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और पूर्व सांसद जितिन प्रसाद को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया है। आज का सुविचार, मशहूर होने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।